छोटे छोटे मासूम बच्चों के सुनहरे सपनों के साथ जब शिक्षा विभाग खुद ही खिलवाड़ करते नजर आएगा तो कैसे शिक्षित होगा समाज, कैसे सुधरेगा नौनिहालों का भविष्य। शिवराज सरकार में ये क्या हो रहा है, जब पहली से पांचवी तक एक ही कमरे में लगेगी क्लास तो कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल। जब दो तीन साल से बच्चों का नाम एक ही कक्षा में दर्ज होगा तो कैसे उज्ज्वल होगा नौनिहालों का जीवन। एक ऐसा स्कूल जहां कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी तो है पर कक्षा चौथी ही नहीं। हम बात कर रहे हैं जबलपुर जिले के पनागर जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाली नंगना पंचायत के ग्राम पौंडी के प्राथमिक शिक्षा केंद्र की, जहां ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की और ना ही बिजली की। एक तरफ शिवराज सरकार प्रदेश भर में चल रहे शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा खुद शिक्षा का स्तर बिगाड़ रहे हैं। या हम ये कहें कि शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों के बीच बनी साठगांठ के चलते जानबूझकर शासकीय स्कूलों का स्तर गिराया जा रहा है, जिसका सीधा असर निचले स्तर के परिवारों पर पड़ रहा है। कहने के लिए तो ग्राम नंगना में प्राथमिक शाला है, लेकिन यहाँ पहली से पांचवी तक के बच्चों की क्लास एक ही कमरे में लग रही है। स्कूल में दो शिक्षक पदस्थ हैं, जिसमें प्रदीप शर्मा तो शायद ही कभी स्कूल आते हैं। उक्त शिक्षक सन 1993 से अपने गृह ग्राम पौंडी में ही जमे हुए हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अन्य पदस्थ महिला शिक्षिका यशोदा कोरी द्वारा स्कूल में पहली से पांचवी तक 22 छात्र छात्राओं की जानकारी दी गई है, तो वहीं अन्य शिक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि स्कूल में कुल 25 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उक्त स्कूल में ना ही बिजली की व्यवस्था है, ना ही पानी की और ना ही शौचालय की। जब हमारे संवाददाता स्कूल परिसर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहली से तीसरी तक क्लास के नौनिहाल खुद बाल्टी से पानी भरकर ला रहे थे, जिनसे पूछने पर नौनिहालों ने बताया कि वो रोज इसी तरह से पानी भरकर लाते हैं। जिस हैंडपंप की दूरी स्कूल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, जहां से छोटे छोटे नौनिहाल खुद बाल्टियों से पानी भरकर अपनी एवं शिक्षकों की प्यास बुझाते हैं। संवाददाता ने स्कूल की 3 साल की रिपोर्ट निकाली तो स्कूल में कई ऐसे नाम सामने आए हैं जो 2-3 साल से एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों को दिए जाने वाले यूनिफॉर्म की बात करें तो उक्त स्कूल से शासन को 24 छात्र छात्राओं के नाम भेजे गए थे, जिस आधार पर 84 यूनिफॉर्म प्रतिवर्ष दी जा रही है, लेकिन ऑनलाइन सिर्फ 17 बच्चों के नाम उस समय दर्ज किए गए जब संवाददाता उक्त स्कूल में पहुंचे थे। पूरे मामले में जनशिक्षक रामकृपाल पटेल कुछ भी बोल पाना तो दूर, सामने आने से भी कतरा रहे हैं। वहीं जनपद शिक्षा अधिकारी के पद पर बैठे नरेश पटेल भी पिछले 15 दिनों से कार्यवाही की बात तो कर रहे हैं, पर आज तक वो ये भी पता नहीं लगा पाए कि आखिर स्कूल में चल क्या रहा है। मैम आपका नाम क्या है? जी मैम, यहाँ पे ये जो स्कूल है, कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? 23 बच्चे पढ़ते हैं। और मतलब कौन सी क्लास से पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ किस किस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? पहली से पाँचवीं तक में कुल 23 बच्चे हैं। यहाँ पे टीचर कितने हैं? दो टीचर हैं। आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं, कैसा? दो टीचर पाँचवीं क्लास तक कैसे पढ़ा लेते हैं? कर लेते हैं मैनेज, क्या है, एक पहली दूसरी पढ़ाते हैं, एक तीसरी चौथी पाँचवीं। तो एक बार में इतनी क्लास को संभाल पाना क्या संभव है? नहीं नहीं है, लेकिन बच्चे कम है तो कर लेते हैं। जी, क्या इस विषय में आपने कभी जो अपने उच्चाधिकारी हैं उनको कोई पत्र लिखा? नहीं, नहीं। आज तक कोई पत्र नहीं लिखा? नहीं। ऐसा है ना, गवर्नमेंट में 1 से 30 बच्चों के लिए 2 शिक्षक ही रहेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 10 या 12 की रूम में उनके बच्चे रहते हैं। नहीं, ये वाला रूम खोल देते हैं। कौन सा? वो नहीं, एक और है ना जो बाहर में जिसमें लॉक लगा है। हाँ, ये वाला खोल देते हैं, वो नहीं खोलते। आज कितने बच्चे आए मैम? आज अभी अब आ रहे हैं बच्चे, थोड़े पानी लेने गए हैं। तो यहाँ पानी भरने के लिए क्या कोई चौकीदार वगैरह की व्यवस्था नहीं है? नहीं। तो ये सब काम बच्चों को ही करना पड़ता है? हाँ, बच्चे ही करते हैं। आपका नाम क्या? प्रदीप शर्मा। ये कौन सा स्कूल है जहाँ अपन बैठे हुए हैं? जी सर, प्राथमिक शाला पौड़ी। कितने बच्चे हैं सर यहाँ पे? यहाँ सब 25 नहीं, 25 ही मान लीजिए, मतलब दो का मैपिंग नहीं। सर, ये कौन सी क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कौन कौन सी क्लास के? सर, अच्छा, 1 से 5। अभी आपके स्कूल में जो समस्याएं देखी हमने, बच्चे पानी भर के ला रहे थे, सर ऐसा क्यों? सर, नल स्कूल के बाउंड्री के अंदर है, उसमें मशीन लग चुकी है, पर कुछ
जो भी दिक्कत जा रही है उन लोगों को, तो बन नहीं पा रही थी ये दो चार घंटे तो मल्टी स्कूल में पानी अवेलेबल नहीं। कितने दिनों से पानी अवेलेबल नहीं है? और तकरीबन जब से उन लोगों ने ये लाइन लगाई लगभग 6 महीने 8 महीने नहीं नहीं 2 महीने सर कमरे 2 हैं सर। एक्चुअल में ये नल का काम चल रहा था तो एक कमरा उन्होंने ले लिया था अपना सामान रखने के लिए, तो इसलिए कमरे 2 हैं सर, 2 कमरे उठा। लेकिन सर प्रेजेंट में 1 कमरा है, दूसरे कमरे में आप देखें तो ताला लगा हुआ है, आप भी यहाँ मौके पर उपस्थित नहीं थे। नहीं सर, जबकि रेगुलर आप लोगों को तो ये तो नियम होता है कि सुबह से जितने बजे भी स्कूल टाइम है तो स्कूल परिसर में ही रहें, दोनों जो स्कूल में 2 रूम हैं तो दोनों रूम को खोल के रखें। क्यों इसलिए इस कारण क्योंकि बच्चे अगर आएंगे तो वो बैठेंगे कहाँ? पानी लेने गए थे? कौन सी क्लास पढ़ते हो? दूसरी। अच्छा दूसरी। कहाँ रहते हो? तो पानी कहाँ भरने गए थे? रोज भरते हो? कितनी दूर से भर के लाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों के बीच बनी साठगांठ के चलते जानबूझकर शासकीय स्कूलों का स्तर गिराया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा निजी स्कूलों को पहुंचाया जा रहा है? टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर पनागढ़ से प्रकाश चंद प्यासी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।